Seattle? Yes, sir. So, what's Ronnie's story? As in 2017, 2018 की बात है। उस समय मैं उठा रिसेंटली आया था। उस समय मैं एयरफोर्स में था। तो हमारा एक घर वहां रखा था विद्यानगर में। विद्यानगर का हाउस था? Yes, sir. पैरेंटल हाउस था और ग्राउंड फ्लोर पे कोचिंग वाले बच्चे रहते थे। जो उस समय 2007-2008 में रेजिडेंस बंसल के बच्चे वाला हो गए, वो वहाँ पर रहे। तो मुझे अभी भी आगे दो बच्चे हमारे रहते थे। एक बच्चा था जम्मू से, उसका नाम था संजीव, और दूसरा बच्चा था यूपी से, एंड उसका नाम सलीम करके दूसरा। ये दो बच्चे थे, दोनों टेंथ में पढ़ते थे, टेंथ क्लास में, टेंथ या इलेवन, नहीं इलेवन में पढ़े, हम थोड़ा इलेवन में पढ़ते थे। दोनों आईआईटी की तैयारी के लिए उठाए हुए थे। उनमें से एक बच्चा जो था जो सलीम था वो रेजिडेंस में पढ़ता था, संजीव था वो बंसल में पढ़ता था। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, और जो संजीव था वो जम्मू कश्मीर से था, उसके पापा बीएसएफ में कमांडेंट थे, तो वो ना काफी वेल टू डू फैमिली से था। और जो सलीम था ही वाज नॉट फ्रॉम सच ए वेल टू डू फैमिली, उसके पापा यूपी के एक छोटे से गांव में किसान थे, तो बड़ी मुश्किल से उसके एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रहा। बच्चे हैं तो रात में मस्ती करते हैं, दो लोग फ्रेंड्स भी थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे, मस्ती भी करते थे। ऑब्वियसली जो सलीम था थोड़ा पढ़ाई में सिंसियर ज्यादा था, और ये संजीव मस्ती करने में ज्यादा था, लेकिन दोस्ती अच्छी थी। उस समय मोबाइल स्मार्टफोन तो होते नहीं थे, देयर वर नो स्मार्टफोन्स, कीपैड फोन होते थे। तो संजीव के पास, दोनों के पास स्मार्टफोन था, सॉरी कीपैड फोन था। और 2007 की टाइम की बात है, उस समय जम्मू में और श्रीनगर में काफी डिस्टर्बेंस चल रहा था, कुछ टेररिस्ट के अटैक्स भी हुए थे, तो काफी हाई अलर्ट पे चल रहा था। एक दिन रात को क्या हुआ, जो संजीव है उसने सलीम के फोन से मजाक मजाक में जम्मू के कंट्रोल रूम पे फोन कर दिया। जम्मू का स्टडी कोड है 019 और पुलिस का कंट्रोल होता है 110। अब आजकल तो बच्चों में तो कुछ एसटीडी कोड की बात बड़ा मतलब होता है। दोबारा गर्दन भी नहीं लीजिए, तुमसे कह रहा हूं और बिहेव लाइक अ डॉग। उसने फोन कर दिया होगा, फोन करके क्या बोला मजाक में, हम जम्मू को कल सुबह बम से उड़ा देंगे। मजाक क्या फर्क पड़ता है, लेट्स प्ले प्रैंक। हम इतनी रील भी देखते हैं, प्रैंक खेलना बहुत आसान होता है। उसने प्रैंक कर दिया, अब उसी साथ क्या हुआ, अभी समझाता हूं उसी साथ क्या क्या हुआ। ये रात के 10:30-11 बजे की बात है, मैं जल्दी सोने वाला मुझे सो चुका था। वी वर ऑन द सेकंड फ्लोर, बच्चे ग्राउंड फ्लोर पर, उन्होंने रात में ये प्रैंक किया, सो गए वो भी 12-1 बजे, जब भी सोना था। सुबह 4:30-5 बजे के आसपास ही मेरे घर के बाहर पुलिस ही पुलिस, पुलिस पुलिस। दैट दिस इज अ स्टोरी विच आई विटनेस्ड। फोन किसकी से हुआ था, सलीम के, किया किसने था,
पकड़ा हो जाएगा। आप वो जो दोस्ती थी ना, फास्ट दोस्ती थी, फास्ट फ्रेंड, बहुत फास्ट फ्रेंड ना, जीने मरने की कसम खाई थी। जैसे पुलिस ने पकड़ा उसको, सलीम को, संजीव को, दोनों को पढ़ा मैंने, दोनों साथ साथ रहते थे। तो भाई कोई फोन किसका है? फोन तो मेरा है, लेकिन फोन किसने किया था? संजीव ने किया था। संजीव से मैंने तो नहीं किया। जैसे पुलिस सामने आई, वो सारी दोस्ती एक सेकंड में वो बिना लट पड़े छू अंतर गायब हो गई। फिर व्हाट हैपेंड एक्चुअली हुआ क्या होगा, रात को 10:30-11 बजे जब फोन गया होगा पूरा का पूरा, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। मजाक वाली बात नहीं, ऑलरेडी जम्मू में इतनी डिस्टर्बेंस चल रही थी, किसी बाहर वाली जगह से कॉल आया, कॉलर आईडी ड्रेस हुआ, अगेन सलीम, ठीक है, मुस्लिम नेम, अपने आप में आईब्रोज रेज हुआ। फिर इतनी देर में तो रात भर में सारी इंक्वायरीज होगी, सुबह 4:30 बजे पुलिस मेरी आई थी, 4 बजे उसके पापा को यूपी पुलिस ने पकड़ लिया, उनको भी अरेस्ट कर लिया। उसके पापा को तो पता ही नहीं बच्चे ने क्या कांड कर दिया, बच्चा क्या कांड कर, बच्चे ने किया नहीं, बच्चे के दोस्त ने किया, लेकिन वो बच्चा प्रूव नहीं कर सकता कि मैंने नहीं किया, लेकिन वो साथ में तो था। जब कॉल कर रहे थे तब वो साथ में था, भले कॉल उसने किया, आइडिया उसका था, बट मेरे साथ में थे, पार्टनर इन क्राइम अकॉम्प्लिश। और 4:30-5 बजे उन दोनों बच्चों को थाने ले जाया गया, विज्ञानगर थाने, हम भी तैयार होकर वहां पहुंचे। उसके फादर, संजीव के फादर तो BSF का कमांडेंट थे, फोन संजीव का था नहीं, 7 बजे संजीव रिलीज हो गया 2 घंटे में, 2 घंटे में वो रिलीज हो गया, सलीम नहीं हुआ ना उसके फादर हुए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। पॉइंट विच आई एम ड्राइविंग इज, हम लोग दोस्ती में कई बार अपने इंस्टाग्राम की यूजर आईडी पासवर्ड लोगों को दे देते हैं, ये मेरा फास्ट फ्रेंड क्या करने का, क्योंकि मैं बच्चों को मोबाइल पकड़ता हूँ, मैं तुम्हारी चैट सर मैंने थोड़ी करी थी, उसने मेरे दोस्त ने करी थी। जिस दिन पकड़े जाओगे ना उस दिन कुछ नहीं होता, डंडे पड़ते सूते जाते हो बस। और आप सब लोग कर लो एक दूसरे का यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर दो, फिर अभी आपको फेसबुक, अभी आपको लग रहा है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अभी लग रहा है आपको ये थोड़े टाइम तो लग रहा है मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, ये तो बस मेरे लिए जान पे खेल जाएगा। वो जान पे क्या, वो जिस दिन एक डंडा पड़ेगा उस दिन बोलेगा मैं तो जानता ही नहीं उसको, ये कौन है भाई। एक डंडे में हो सकता है बिना डंडे के बोल दे। मैं और एग्जाम्पल देता हूं, 2 साल पुराना एग्जाम्पल, कोटा का एग्जाम्पल देता हूं, ये स्पेशली लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्योंकि मैं बहुत लोगों के इंस्टाग्राम चैट्स पढ़ता हूँ, मेरा जॉब ऐसा है, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे पढ़ना पड़ता है, वीडियोस देखने पड़ते हैं आपके। ये जो दुनिया है ना बड़ी जालिम दुनिया है, इट्स नॉट एन इजी वन, and especially if you're a boy, it's a very cruel world. आप अपने फ्रीडम को एंजॉय कीजिए, लेकिन जिस दिन होगा ना कुछ, उस दिन कुछ नहीं हो सकता आपका। मैं कोटा का एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक लड़के का जो 19 साल का है, 4 साल से लॉकअप में, 4 साल से लॉकअप में, जमानत एक उम्र, क्या किया होगा उसने, ना बस चैट है, ना वीडियो,
और आप सब जानते हैं कि स्टोरी कभी भी एक्साइटेड होती नहीं है। सबसे पहले चिकन रिफाइंड पर सर, द स्टोरी इज नेवर वन साइडेड। हुआ क्या, जो एक गर्ल 16-17 साल की, 11-12 की थी, कोचिंग में जाती थी, कोटा के रहने वाले हैं, ठीक है, लड़के से मुलाकात हुई, बातचीत बढ़ी, चैटिंग बढ़ी, इंस्टाग्राम सब चला, ठीक है ना। एंड देन होता ना वो आपकी थ्रेशोल्ड आ जाता है, एक लिमिट आ जाती है, इधर इधर उधर तो बदलेगी, आपकी लिमिट आ जाती है जहां पर आप यू बिकम बेयर एंड नेकेड, सब कुछ शेयर करना शुरू कर देता, यू डोंट इवन रियलाइज कि क्या कर रहे हो आप, पता ही पता, मजा आ रहा था। एंड एक दिन वो मोबाइल लड़की की मम्मी के हाथ में लग गया। लड़की की मम्मी के हाथ में लग गया और वो बच्चे की जमानत नहीं हुई। गलती तो सबकी थी, गलती तो लड़के लड़की दोनों की थी, लड़की को कुछ नहीं हुआ, लड़की ने अगले दिन जाके साफ स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे पीछे परेशान करता था, जबरदस्त नहीं करता। सो बिलीव मी, अगर आप 17-18 साल के बॉय हो, यू आर एट द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। आज भी वो लॉकअप में, उसका केस चल रहा है,